हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दानिश टेक। तो कैसे आप लोग, आज मैं आपको अनबॉक्सिंग देने वाला हूँ ओप्पो का A11K, जो 2GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, अंडर 10,000 आता है। तो इसका मैं बजट रेंज में, तो इसका मैं अनबॉक्सिंग देने वाला हूँ, स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ, प्राइस पॉइंट के बारे में सारा चीज़ मैं बताने वाला हूँ इसके बारे में। तो सबसे पहले आप इस मोबाइल का अनबॉक्सिंग देखिए, जो कि ब्लू कलर में है। तो चलिए सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, तो चलिए फटाफट इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो हमारा फ़ोन अनबॉक्स हो चुका है, तो देख सकते हैं आप बॉक्स में क्या सब है। तो सबसे पहले हम फ़ोन को निकाल लेते हैं, तो इसके प्रोटेक्शन को रिमूव कर लेते हैं। अब हम देख सकते हैं ब्लू कलर में ओप्पो A11K। तो चलिए फटाफट बूट कर लेते हैं फ़ोन को, फिर मैं आपको इसका सारा लुक दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं ये लुक आप किस तरह का, अंदर में 10 वाट का चार्जर है और वो USB डाटा केबल है, और वो बैक कवर है, सिम इजेक्टर टूल है, वारंटी कार्ड है और कुछ डॉक्यूमेंटेशन है। ये सब सामान इसके इन द बॉक्स आता है। तो चलिए आप इसके बाद फ़ोन को सेटअप करते हैं। तो ये इस तरह का लुक है, पीछे में फिंगरप्रिंट है, बैक फिंगरप्रिंट। अभी फ़ोन बूट हो रहा है, तो फ़ोन को बूट होने देते हैं। तो फ़ोन बूट हो चुका है, तो फटाफट उसको पूरा सेटअप कर लेते हैं। तो हमारा फ़ोन बूट हो चुका है, तो देख सकते हैं अभी मैं फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका कैमरा चेक कर लेते हैं, फ्रंट कैमरा। तो देख सकते हैं कैमरा ऑन हो चुका है, फ्रंट कैमरा ऑन हो गया। तो आप इसका बैक का लुक देख सकते हैं, फिंगरप्रिंट, कैमरा वगैरह जो भी है इसका पूरा फ्रंट से। तो जैसा कि आप लोगों ने इसका अनबॉक्सिंग देख लिया, तो इसके फीचर्स की तरफ चलते हैं। तो पहले मैं इसका प्राइस बता देता हूं, तो इसका प्राइस 8,990 है। तो ये इसका प्राइस अगर किसी को ख़रीदना हो, बाय करना हो, तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर बात किया जाए कि इसमें क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या फीचर्स है, क्या इसमें प्रोसेसर है, क्या कैमरा है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कैमरे से स्टार्ट करते हैं। तो रियर साइड में, बैक साइड में 13+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा है। फ्रंट सेल्फी की बात अगर की जाए, तो फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। अगर चार्जिंग की बात की जाए, तो चार्जिंग इसमें USB टाइप की चार्जिंग है, और बैटरी इसके 4230mAh की बैटरी है। अगर इसके डिस्प्ले के बारे में बात किया जाए, तो 6.22 इंच का HD+ डिस्प्ले है, जो कि 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, गोरिल्ला ग्लास के 3 के प्रोटेक्शन के साथ आता है। अगर बात की जाए इसके प्रोसेसर की, तो MediaTek का हेलियो P35 प्रोसेसर है, जो कि एक डिसेंट सा प्रोसेसर है। अगर बात किया जाए तो इसमें हेडफोन जैक है 3.5mm का, और अगर इसके कलर की बात की जाए, तो 2 कलर में आता है ये, एक सिल्वर कलर आता है, एक ब्लू कलर आता है। मैंने जो अनबॉक्सिंग किया वो ब्लू कलर में था। और कनेक्टिविटी की बात की जाए, तो ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट करता है, डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट करता है। और अगर बात की जाए इसके कलर वाइज वर्जन की, तो जो इसका UI होता है वो कलर वाइज 6.0 है, जो कि अपडेट होकर 7 भी हो जाएगा। और अगर इसके फ़ोन की वेट की जाए, वेट की बात की जाए, तो बहुत ही लाइट वेट है ये सिर्फ ओनली 165 ग्राम का। सेंसर की बात की जाए, तो फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, जो कि रियर साइड, बैक साइड में, और वाईफाई, ब्लूटूथ, जो भी चीज़ होता है इसमें सारा चीज़ अवेलेबल है। अगर इसके एंड्रॉयड वर्जन की बात की जाए, तो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड वर्जन 9 मिलेगा पाई, जो अपडेट होकर 10 हो जाएगा। तो सारा चीज़ इसमें बढ़िया है। प्राइस पॉइंट मैंने बताया दिया, 8,990 इसका प्राइस है। जिसको भी खरीदना है वो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, कृष्णा में भी आप आके बाय कर सकते हैं। तो यही इसका था स्पेसिफिकेशन। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, सपोर्ट करें, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब हर बार की तरह। और बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते, मैंने देखा था YouTube स्टूडियो पे 45% आदमी सब्सक्राइब नहीं किए, तो सब्सक्राइब कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।